কেনে পড়লা? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज संडे है तो सुबह सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि कुछ दिनों से ब्लॉग बनाए ही नहीं हैं। और आज छुट्टी का दिन है तो मेरे बेटे ने अपने पापा के साथ मिलकर पौधों पे पानी डाले हैं, और मैं भी थोड़ा बिज़ी हूँ किचन में, क्योंकि आज तो संडे का स्पेशल कुछ बनानी पड़ेगी। चलिए ले चलती हूँ अपने किचन में, क्योंकि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ आपको दिखाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज बनाने जा रही हूँ पानी पूरी। बहुत दिनों से पानी पूरी खाने को मन कर रहा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिला था बनाने के लिए। सो आज संडे है तो थोड़ा सा टाइम मिला है, इसलिए सोच रहा हूँ कि घर में ही बना लूँ पानी पूरी। और पानी पूरी का जो पानी है वो मैं पहले प्रिपेयर करने जा रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पुदीना, धनिया, थोड़ा सा अदरक, दो हरी मिर्च और इमली का पेस्ट जो मैंने बीज निकाल के रखे थे, वो सारे मिक्स करके अभी हम ये ग्राइंड कर लेंगे। और देखिए उस तरफ से मैंने आलू भी उबाल के रखा है और ये ग्राइंड हो गया, तो इसे निकालना पड़ेगा यहाँ से। और इसके इस पेस्ट के साथ हमको पानी मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेस्ट बहुत ही अभी थिक है, इसको लिक्विड करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इसका लिक्विडिटी कितना है वो कंसिस्टेंसी देख देख के चेक करके मैं थोड़े थोड़े करके पानी मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर, और डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। अगर इसमें अगर कोई दूसरा मसाला भी डालते हैं तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं ये पानी घर पे पहली बार ट्राई कर रही हूँ। और बाकी जो पानी पूरी वाली भैया है, वेंडर्स है, वो तो बताएंगे नहीं अपनी रेसिपी, इसलिए अपना ही आइडिया लगा रही हूँ और ज़्यादा मसाला नहीं इसमें मिक्स कर रही हूँ। अगर और यहाँ आलू का छिलका भी मैंने निकाल लिया है, और नमक प्याज वगैरह डाल के मैं इसे पेस्ट बना लिया। और यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया, ग्रीन मटर्स और थोड़ा सा मिक्सर, जो कि भुजिया भी बोल सकते हैं आप लोग। ये थोड़ा सा मिक्स करने से बहुत टेस्ट होता है, इसलिए मैं मिक्स कर रही हूँ। और ये मिक्स करने के लिए तो हाथ का यूज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि स्पून से ये मिक्स नहीं होंगे आलू के साथ, इसलिए मैंने हाथ से ही इसे छोटे छोटे क्रश करके दिए हुए हैं और मिक्स कर लिए हैं। और ये आलू भी प्रिपेयर हो गया। अभी तो मुंह में पानी भी आ रहा है और खाने का भी मन कर रहा है बहुत। और यहाँ पर मैंने जो पानी पूरी है पूरी भी बना लिया है। पानी पूरी बहुत ही टेस्टी था, इसलिए मुझे फिर से दो दो बार पूरी बनानी पड़ी। और यहाँ बाप बेटे भी एंजॉय कर रहे हैं। पिछले साल हमारे स्कूल के सामने एक वेंडर्स रहता था पानी पूरी वाले भैया, उसका पानी पूरी का जो टेस्ट है वो बहुत ही टेस्टी पानी पूरी बनाते थे। लेकिन आजकल वो भैया वहाँ पे नहीं रहते, पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन वो जो पानी पूरी थे ना, मेरे हमारे यहाँ के टाउन के किसी भी पानी पूरी वाले भैया के पास मैंने ऐसी पानी पूरी नहीं खाई जो कि इतना टेस्टी था। और आज भी वो पानी पूरी मैं मिस करती हूँ। और मुझे तो ये देखकर हंसी आ रही है, क्योंकि मेरे बेटे को एक पानी पूरी एक बार में ही मुंह में नहीं घुसते हैं, 3-4 बाइट लेने के बाद ही उसका पानी पूरी ख़त्म होता है।
और लास्ट टाइम मैंने मेयोनीज़ के साथ भी पूरी ट्राई की, मेयोनीज़ के साथ तो पानी पूरी का मज़ा और भी बेहतर था। और आजकल ऐसा हो रहा है कि मेयोनीज़ के बिना मैं कुछ खा ही नहीं सकती, जो भी चीज़ खाती हूँ मेयोनीज़ के साथ ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे मेयोनीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जिस चीज़ इसके साथ मेयोनीज़ मिक्स कर सकते हैं मैं मिक्स कर ही लेती हूँ। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, हस्बैंड ने मार्केट से कुछ वेजिटेबल्स लाए हैं और इन्हीं को मैं सेपरेट करके फ्रिज में ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। आज का ब्लॉग यहीं तक था, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए सबको बाय बाय एंड टेक केयर।